आओ सलारिया जल सेवा फाउंडेशन पठानकोट के मेंबर बनो। आने वाले 5 साल तक द वाइड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पठानकोट तुहाडा फ्री इलाज करेगा। कोई एक रुपया नहीं लगेगा। इलाज हार्ट का होए, किडनी का होए, कोई बड़ी बीमारी होए, सारा फ्री होएगा। पठानकोट के मिशन रोड स्थित रामलीला मैदान मार्ग की खस्ता हाल व टूटी पुली के कारण आए दिन हादसे बढ़ते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो पिछले कई सालों से टूटे फूटे रोड और पुली की वजह से राहगीर परेशान हो रहे हैं। कई बार प्रशासन को बोलने के बाद भी इस समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं करवाया गया है। विवेक शर्मा, यहाँ पे जी ये पुली है। मैं इस टाइम रामलीला ग्राउंड के पास खड़ा हूँ और यहाँ पे ये पुली है। लगभग 4 साल से ये टूटी हुई है और बहुत ज़्यादा इसमें पानी भर जाता है जब भी बारिश आती है और लोगों को बहुत परेशानी होती है और कई बार इसका एक्सीडेंट भी हो चुका है यहाँ पे। और मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्दी से इस पुली का काम करवाया जाए और इसको सही किया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो सके। थैंक यू सो मच। यहाँ पे ये जो सड़क है ये भी डैमेज हुई पड़ी है। जगह जगह पे गड्ढे हैं और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे स्लिप हो रहे हैं और कई एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। और यहाँ पे जो भी नगर निगम है मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसको जल्दी से रिपेयर कराया जाए ताकि लोग अच्छे तरीके से अपने सफ़र को इंजॉय कर सकें। थैंक यू सो मच। मैम ये देखो सामने है कि की हालत बनी पई है रोड की, तो ना ही अपना इन्होंने कुछ समझ आ रहा सरकार ना कोई काम कराती है। सामने ही है रोड का की हाल बनया पाया सारा, तो अपना उत्थे भी कल भी बरखा हुई है। रोज़ ही प्रशासन को कंप्लेंट करने होंने, ठीक है, फोन के अखबारों से भी बड़ी बार आ चुका। उत्थे भी सामने टोया है, उत्थे भी कोई ध्यान नहीं दिता इस चीज़ से। कई लोग डिगते हैं, वजते हैं, कितने एक्सीडेंट आए दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं। ना कोई प्रशासन वालों ध्यान दिया जा रहा, ना सरकार वालों कोई ध्यान दिता जा रहा। आप बड़ी बार कंप्लेंट भी की है पर किसी का कोई ध्यान नहीं इस पास से।